हे फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। ऐसे ही मुझे ढेर सारा सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड। और फ्रेंड्स, मैं जो वीडियो अपडेट करती हूँ, आप सबका एक सबसे पहला व्यूज होता है, लाइक होता है, वो कौन है मैं उनको सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ। फ्रेंड प्लीज मेंशन कर दीजिएगा, मुझे एक स्माइली भेज दीजिएगा जिससे मैं आपका थैंक यू सो मच बोल सकूं फ्रेंड। क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालती हूँ, सबसे पहला एक व्यूज और एक लाइक मुझे मिलता है, वो किसका मुझे नहीं पता, पर मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन है। तो चलिए इसी के साथ इंटरेस्टिंग वीडियो आज की स्टार्ट करती हूँ। ऐसे ही एक स्पेशल लव स्टोरी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही रोमांटिक ड्रामा सीरीज है, जिसका नाम है लव अनएक्सपेक्टेड। ये एक चाइनीज ड्रामा सीरीज है, ये बहुत ही रोमांटिक है, कॉमेडी है, फंटासी ड्रामा सीरीज आप सबको देखने को मिलेगी। इसके टोटल एपिसोड 24 है। ये लव स्टोरी फ्रेंड, वैसे तो मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ कि आप सबको हर लव स्टोरी अलग अलग देखने को मिलेगी, पर ये उनसे भी अलग देखने को मिलेगी। ये क्यों है फ्रेंड, ये जानने के लिए मेरी वीडियो तक जरूर देखें। स्टोरी स्टार्ट होती है जू नाम के मेल लीड से। उसकी माँ का 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके वजह से जू अपना सुध बुध पूरी तरीके से खो देता है। वो अपनी फीलिंग्स, अपनी स्माइल, यहाँ तक कि अपनी रोने की भी शक्ति उसे कुछ समझ नहीं आती है। ओवरऑल उसकी फीलिंग्स खत्म हो जाती है। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन बन जाता है और अपने के साथ वो किसी और की भी फीलिंग्स को नहीं समझता है, बिल्कुल भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। वो बहुत बड़े कंपनी का सीईओ रहता है। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को देखने को मिलेगा फीमेल लीड, जिसका नाम सीई होता है। बहुत ही चुलबुली लड़की होती है ये, और इसका सपना है एक बॉडीगार्ड बनना। लेकिन इसके पेरेंट्स को ये बिल्कुल नहीं पसंद है। इसके पेरेंट्स को है कि वो एक अच्छी जॉब ले, पर सीई का कुछ और ही थिंकिंग है। तो फ्रेंड अब समझ में आया कि मैं इसे क्यों कह रही थी कि आप सबको अलग देखने को मिलेगी। बॉडीगार्ड तो लड़के होते हैं, बट फ्रेंड यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे बॉडीगार्ड लड़का नहीं, एक लड़की है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलेगा सीई की दोस्त एक बॉक्सिंग चैंपियन रहती है, और बेचारी सीई एक छोटा मोटा जॉब करती है, एक मिकी माउस का कवर पहन के वो सबको स्लिप बांटती रहती है। तभी सडनली एक न्यूज आता है, जिस न्यूज में उसकी फ्रेंड का मैच हो रहा होता है, और वो छोड़ छाड़ सब कुछ वहाँ जाती है। वो कंपनी फ्रेंड किसी और की नहीं, हमारे मेल लीड रू की होती है, और वहाँ पे उसकी दोस्त बॉक्सिंग करती है। अगली बंदी भी बहुत टफ होती है, वो भी बॉक्सिंग की चैंपियन होती है। दोनों में काफी घूसा मुका चलता है फ्रेंड वहाँ पे। उसके बाद सी की फ्रेंड सडनली गिर जाती है, क्योंकि अगली बंदी ने बहुत जोरदार मारा था, और बेचारी सीई बहुत टेंशन में आ जाती है, घबरा जाती है। लेकिन वो उसको चेयरअप करती है अपनी फ्रेंड को कि तुम कर सकती हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो। ये सुनकर सीई की दोस्त उसको देखती है और सडनली उसमें जोश आ जाता है, और वो अगली बंदी को बहुत जोर से मारती है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है, और वहाँ की विनर हो जाती है सीईओ की दोस्त, जो काफी दोनों खुश होते हैं। उसका गार्ड कहता है कि सर प्लीज एक बार आप देखिए उस लड़की को, क्या जोश है। वहाँ पे लेल लीड काफी एटीट्यूड में रहते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं देखना, वो कौन है, क्या कर रही है। बहुत रिक्वेस्ट भी करता है गार्ड, बट उसको वो नहीं देखता। उसके बाद सडनली उसके पास कॉल आ जाता है जू को, और जू लॉबी में चला जाता है बात करने के लिए। उधर बेचारी सीए जो अपने सपने सजा रही होती है बॉडीगार्ड के, वो उसे मिल नहीं पा रहा होता है। वो इसी सोच में बाहर निकलती है, तो सडनली एक बड़ा सा पैम्पलेट ऊपर से गिरने वाला होता है, जो कि सीओ देख लेती है कि उस लड़के के नीचे वो खड़ा है, उस लड़के पे गिर जाएगा। तो दौड़ के सीओ उसके गर्दन में हाथ रखती है और सडनली खींचती है। फिर वहाँ पे बहुत ही कॉमेडी लुक आप सबको देखने को मिलेगा, वो सीन बहुत अमेजिंग है। तो जैसे ही वो खींचती है, वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यारा सा हग करते हैं और एक दूसरे का आई कांटेक्ट होता है। देन वो पेपर जल्दी से नीचे गिर जाता है और सीओ जू की जान बचा लेती है। सीओ को लगता है कि उसने उस इंसान को कहीं पे तो देखा है, वो समझ नहीं पा रही होती है, वो बड़बड़ा रही होती है। तो उसे लगता है कि हाँ, ये तो वही इंसान है जिसे अभी उसने न्यूज पे देखा था बाहर थोड़ी देर पहले, जहाँ वो जॉब कर रही थी पार्ट टाइम। वो उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, उसको कहती है कि तुम इस कंपनी के सीईओ मिस्टर जू हो। लेकिन मिस्टर जू तो ठहरे नवाबजादे, वो तो किसी से बात करना क्या, वो तो उसे देखना भी पसंद नहीं करते। ऊपर से उल्टा उसे कहते है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ा। तो सी कहती है, अगर मैं तुम्हें नहीं पकड़ती तो तुम मर सकते थे। फ्रेंड्स आगे जाने से पहले मैं आप सबको कह दूं, अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट
टाइम आते हैं, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, तो एक सेकंड नहीं लगता, वीडियो को पॉज करके जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना आप सबको तो मेरी इंस्टा आईडी ये रही, आप यहाँ जाके मुझे फॉलो करें और आप मैसेज करें, मैं सबके मैसेज का रिप्लाई दूं। वहाँ पे कुछ समझ नहीं पाता, जो भले कितना स्ट्रांग रहे, दिल का पत्थर है फ्रेंड, लेकिन अंदर से बात कुछ और थी, वो बहुत ज्यादा डरपोक भी था। और सी उसके पीछे पीछे जाती है एक होप से फ्रेंड, क्योंकि ऑलरेडी उसको भी स्पोर्ट्स बहुत पसंद थे, वो भी उस कंपनी में जॉब करना चाहती थी। उसने सोच लिया था कि इन एनी हो उसको उस कंपनी में जॉब करनी है, तो जहाँ भी जू जाता वहाँ पीछे पीछे सी भी पहुँच जाती। जू को लगता कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है, बट वो इग्नोर कर देता था फ्रेंड। और वहाँ पे भी आप सबको सीन बहुत ही मजेदार देखने को मिलेगी जब सी उसका पीछा करती है। ऐसे ही एक दिन जू ने ठान लिया था कि मैं उस इंसान का पता करूंगा जो मेरा पीछा करती है, तो सडनली उसको वो पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो सी तो बहुत डर जाती है, मैं एक लड़की, इसका ये मतलब नहीं कि मैं डरपोक हूँ, तुम मुझे क्या समझ रहे हो, मैं डरपोक नहीं, तुम स्पोर्ट के सी हो तो मैं भी कम नहीं हूँ फ्रेंड। वो भी मुक्का दिखाने लगती है और कहती है अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। कट टू कट सीन चेंज होती है, नेक्स्ट सीन में हम लोगों को देखने को मिलेगा सीयू को एक बहुत ही अच्छा ऑफर आता है, और वो अपने फ्रेंड से कहती है कि प्लीज मेरे फादर को मत बताना कि मैं वहाँ पार्टिसिपेट करूँगी। फ्रेंड इस चीज को मान लेती है और वो दोनों फ्रेंड सीयू को बॉक्सिंग, कराटा, स्पोर्ट्स के हर एक चीज उसे सिखाती है, अपनी जीत जान दे देती है, अपना 100% लगा देती है उसको पूरा करने के लिए, उस जॉब को हासिल करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को देखने को मिलेगा जू का गार्ड कहता है कि बॉस चलिए आपको इसी सब में से एक चूज करना है अपने लिए बॉडीगार्ड, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। वहाँ पे 10 लोग खड़े होते हैं और 10 लोगों के साथ फ्रेंड हमारी सीई भी खड़ी होती है, जो कि सूट बूट पहन के बहुत ही प्रीटी और क्यूट लग रही है। तो वो कहता है कि ये बॉडीगार्ड है, ये यहाँ क्या कर रही है। तो उसका गार्ड कहता है भी यहाँ पार्टिसिपेट करने आई है। तो जू कहता है ठीक है, मैं 3 मिनट का इन सबको टाइम देता हूँ, अगर इन 3 मिनट में जिन्होंने मेरी जान बचाई उसको मैं बॉडीगार्ड बना लूंगा और जॉब दे दूंगा। ये कहकर वो नाइफ निकालता है, नाइफ जैसे ही निकालता है फ्रेंड तो वो 10 के 10 जू को बचाने के लिए बहुत कोशिश करते है, पर फ्रेंड बहुत ही तेजी से, बहुत ही बिजली के रफ्तार से दौड़ती चली आती हमारी सी और सबके छक्के छुड़ा देते हो, वो भी फ्रेंड सिर्फ 3 मिनट के अंदर। ये देखकर तो जू काफी शॉक में चला जाता है और वो डर भी जाता है, क्योंकि जो हाथापाई हो रहा होता है। जैसे ही नाइफ चलती है तो जू को लगने ही वाली होती है, तो सडनली सी आके उसे बचा लेती है और वहाँ पे बहुत ही रोमांटिक सा हग होता है इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे सी जू को बचा लेती है। तो फ्रेंड ये सब स्टोरी में हम लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत ही अमेजिंग लव स्टोरी है, और ये अभी हिंदी में नहीं है फ्रेंड, ये इंग्लिश सबटाइटल में है फ्रेंड, तो आप सब जरूर देखें। पता है हिंदी में देखने के बाद कुछ और होता है फ्रेंड, बट मुझसे ये रुका ही नहीं गया, मतलब ये इतनी अच्छी लव स्टोरी फ्रेंड। तो आगे क्या होता है सीई और जू के साथ, क्या उसे परमानेंट जॉब में जू रखेगा, सीई जू को बदल सकती है, उसके फीलिंग्स को बदल सकती है, ये जानने के लिए फ्रेंड तो ये सारी ड्रामास देखनी होगी। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।